हम बहुत कंसर्न होते हैं अपने फूड को लेकर के, हमारा फूड बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए, हमारा जो पानी जो हम पीते हैं वो कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए, पर क्या हम उतना ही कंसर्न कभी इस चीज़ को लेकर के दिखाते हैं कि जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे हेयर कलर हो गया, नेल पेंट हो गया, सनस्क्रीन हो गया, लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, फाउंडेशन हो गया, कोई क्रीम हो गया, तो ये जो सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कितने हैवी मेटल्स हैं, कितने हैवी केमिकल्स हैं और वो कितना टॉक्सिन लोडेड है, हम कभी इस बारे में ध्यान नहीं देते। और आपको पता है आपका जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है आपके बॉडी का, और वो एक खुला है, एक दरवाज़ा जिससे बहुत सारी चीज़ें अंदर आपके बॉडी में आ रही है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। आपके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आप बॉडी के ऊपर बाहर अपनी स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ें जब आप अप्लाई करते हो तो वो उन पोर्स के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में सीधे वो केमिकल्स चला जाता है। जैसे कि आपने कोई पाउडर लगाया या कोई सनस्क्रीन लगाया तो वो सनस्क्रीन, वो पाउडर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर चले गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा लोड है, एक बम्बार्डिंग है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे लीवर के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है और लीवर को ये सारी चीज़ें डिटॉक्सिफाई करनी होती है। आप सोचिए दिन भर में ऑन एन एवरेज हम 10 से 20 पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और हर एक प्रोडक्ट में अराउंड 10 हैवी केमिकल्स होते हैं, तो बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा हम डेली लोड दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर और किडनी को बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, और इसी की वजह से आजकल PCOD की समस्या, आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर की समस्या, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि जाने अनजाने ब्रीदिंग से तो टॉक्सिन्स जा ही रहा है, फूड के थ्रू टॉक्सिन्स जा रहा है, लेकिन जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं। तो हमें हमारा जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके लेबलिंग को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहिए और हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे अर्थ को भी हेल्दी रखना चाहिए।